पन्ना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा में पदस्थ स्टाफ नर्स किरण कुशवाहा पर प्रसूताओं और उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक डिलीवरी में 500 से 600 रुपए की मांग की जाती है तथा डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं का गलत इलाज किया जाता है, जिस कारण नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है और प्रसूताओं की जान के लेने के देने पड़ जाते हैं। प्रसूताओं और परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप की पड़ताल करने पर पाया गया कि अगस्त से अक्टूबर यानी 3 माह में स्टाफ नर्स किरण कुशवाहा की ड्यूटी के दौरान पैदा हुए 6 से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। अब ये गंभीर सवाल उठना लाजिम है कि आखिर किरण कुशवाहा की ड्यूटी के दौरान ही मौत के आंकड़े इतने ज्यादा क्यों हैं? परिजनों की शिकायत के बावजूद भी नहीं होती है कार्रवाई। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लापरवाह स्टाफ नर्स के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए पन्ना से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। डिलीवरी थी, डिलीवरी के साथ पेट में बच्चा था, फिर उन्हें इंजेक्शन लगाया। कहाँ पे लगाया इंजेक्शन? कमर में लगा था। कमर के बाद फिर दर्द कुछ बढ़ा धीरे धीरे, तो फिर ले गई डिलीवरी के लिए। डिलीवरी हुई तो फिर बच्चा गंभीर था तो रिफर कर दी थी पन्ना का। कौन सी नर्स थी ड्यूटी में? किरण खुशवाहा थी। फिर बच्चे का क्या हुआ? फिर बच्चा 2-3 दिन उसमें शीशा में बंद था, फिर उसकी मृत्यु हो गई। पैसे वैसे भी मंगाए थे नर्स ने? जी पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 600। क्या नाम है आपका? मेरा रिया नाम था। कहाँ रहती हैं? विष्णु मानिकपुर। हाँ दादा, क्या हुआ आपके साथ? पहले तो जांच करवाया करते थे, तो जब बच्चे पेट दर्द बहू को करने लगा तो हम स्वास्थ्य केंद्र सलेहा ले गए, तो किरण कुशवाहा उनकी ड्यूटी थी रात में, तो उनने 3 इंजेक्शन और 1 कैप्सूल दिया था। बहू बता रही थी, मैं तो अंदर जाने को मिलता नहीं था। तो बच्चा रोया नहीं है, जमीन में गिरा है तो रोया नहीं है, जीवित था। फिर उसने रेफर कर दिया है। और फिर कह रही थी हमसे कि भाई 500 रुपया लगते हैं हम लोगों को, तो मैंने 500 रुपया दिया हूँ। फिर मैंने कहा कि जब हम पढ़े लिखों से ऐसा कर रही हो तो हम मतलब कई लोगों से तुम ऐसा करती हो। क्या नाम है आपका? मेरा हर प्रसाद चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम मानिकपुर विष्णु पोस्ट सलेहा। नर्स ड्यूटी किसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं तो सर देखो, आदमी हॉस्पिटल को भगता है, मैं तो डॉक्टर के बताए के अनुसार ये वो किरण की वो लापरवाही मानता हूँ। कि जब बच्चा फिर खत्म हो गया? हाँ, बच्चा पन्ना में खत्म हो गया था। मैंने खून भी दिया था बच्चा को, सदना में भी बहुत दिखाया था, वो तो पहले दिखाया था, लेकिन जांच आँच सब सही थी। बच्चा 2-2.5 किलो का था, लेकिन रोया नहीं है। विष्णु मानिकपुर का वो जो कार्यता है, उनके ससुर ने मुझसे आज बताया कि, और उस महिला ने भी बताया कि डिलीवरी के पहले 1 टेबलेट दिया था और 3 इंजेक्शन लगाए थे, फिर मुझे रेफर किया यहाँ से। इसके बाद मतलब रेफर करने के बाद 500 रुपये भी लिया। अस्पताल में डेथ तो नहीं हुई है? हाँ ये है कि जन्म के बाद बच्चे रोए नहीं थे, इसके बाद उनका कॉम्प्लिकेशन बाद में हुआ, वो बाद में एक्सपायर हुए। और इसमें जब पहले मतलब तो जानकारी में नहीं थी ये बात, लेकिन जब संज्ञान में आई तो उसकी जानकारी लिया गया, तो ऐसा पता चला उनके परिजनों ने, हमारे पास भी आए थे, तो बताया था कि कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए थे सिस्टर ने। और सिस्टर से जब बात की है तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन लगाया था, जबकि उनको ऑक्सीटोसिन लगाने के लिए पहले से मना किया गया था। और इस विषय में उनको कई बार समझाइश दी गई, कई बार नोटिस दिया गया, मतलब उनको कई बार डराने की कोशिश की गई, और ये इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताया गया, तो उनका बड़ा निगेटिव जवाब रहता है और वो अपने कार्य में बिल्कुल बदलाव नहीं कर रही हैं अभी भी। उनको मैंने इस विषय की जानकारी डीएमओ साहब को भी दिया था, तो क्या कहेंगे सर? 8वें महीने से 11वें महीने तक का पता किया हमने, तो सर 6 बच्चों की मौत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला तो है सर? हाँ गंभीर तो है, और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और स्पेशली क्या है, ऑक्सीटोसिन लगाने का उनका उसका अलग तरीका होता है कि उसको डायल्यूट करके फुल डायलिटेशन में लगाया जाता है। और यहाँ पे पहले ये चीज़ हमारे जानकारी में नहीं थी कि ये लोग ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, कई बार हमेशा मना करते थे, पर ये लोग चुपके लगा देते थे। और जब हितग्राही से बात करो तो वो बताते थे कि हाँ ये